दिन भारतीय लोकतंत्र और हर भारतीय के लिए बेहद खास और अहम है। आज ही के दिन 15 अगस्त सन 1947 को हमें अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से आजादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस वो दिन है जो हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। हमें आजादी यूं ही नहीं मिली, हमारे भारत के सूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें यह हक दिलाया है कि हम स्वतंत्रता दिवस मना सके। हमारे भारत के सेनानियों ने अंग्रेजों को लोहे के चने तक चबवा दिए और देश से बाहर निकाल फेंका। आजादी के बाद भी भारत ने वक्त वक्त पर दुनिया के हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। हम सबको पता है आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं और लंबा संघर्ष करना पड़ा है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुखदेव, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया, तब जाकर हम आजाद फिजा में सांस लेने के काबिल हो पाए हैं। देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून पसीना बहाया और उन्होंने अपने जीवन के सारे सुख त्याग दिए। उनमें से कुछ जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफुल्ला खान जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान तक देश पर कुर्बान कर दी। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इससे ज़्यादा गर्व की क्या बात हो सकती है कि देश में शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी एक भारतीय के हाथों में है। आज हम सब मिलकर उनके दिए बलिदानों को व्यर्थ न जाने दें और देश की उन्नति में अपना योगदान दें। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी को जन संदेश टाइम्स की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय